नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए सर थॉमस व्याट की फेमस पोइम लो व्हाट इट इज़ टू लव की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। स्टार्ट करते हैं। लो व्हाट इट इज़ टू लव, लो मतलब लुक देखिए, व्हाट इट इज़ टू लव प्यार करना क्या है, लर्न ये आप ये सीख लीजिए, देन लिस्ट टू प्रूव तब आप मुझे, आप ये जब सीख लेते हैं तब आप मुझे गलत साबित करके दिखाना भी जो मैं कह रहा हूँ क्या वो गलत है। ये एक प्यार का मारा हुआ पर्सन है, पोइट एक प्यार का मारा हुआ प्रेमी है जो लोगों को प्यार की के साइड इफेक्ट बता रहे हैं। ये कहता है, आई से नो वे दैट मे द ग्राउंडेड ग्रीफ रिमूव, मैं कहता हूँ ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो मेरे दिल में घर के बैठे प्यार के दुख को ग्राउंडेड, जिसने मेरे दिल में घर कर लिया है उस प्यार के दुख को रिमूव कर सके। माय लाइफ ऑलवेज डेथ डोथ डिके, मेरी जिंदगी जो है वो हमेशा से ख़त्म होती जा रही है। लुक लो व्हाट इट इज़ टू लव, देखो प्यार करना क्या है। अब ये कहता है प्यार एक तरह का जाल है, लुक फ्ली अवे फ्रॉम दिस स्नेयर, इस जाल से भाग जाओ, प्यार एक जाल है इस जाल से भाग जाओ। लर्न बाय मी टू बीवेयर ऑफ सच ए ट्रेन विच डबल्स पेन, मुझसे सीखो कि ऐसी ट्रेन से कैसे बचा जाए, ऐसी ट्रेन मतलब ऐसे इवेंट से कैसे बचा जाए जिससे जिंदगी में दुख दर्द डबल हो जाते हैं। एंड एंडलेस वो एंड केयर दैट्स डोथ रिटेन विच टू रिफ्रेन फ्ली अवे फ्रॉम दिस स्नेयर, ये जो घटना है ये प्यार जो है वो जिंदगी में दुख और दर्द ही एंडलेस अनंत दुख और दर्द लाता है। तो आप क्या करो, ऐसे जाल से रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब अवॉइड करो, और डेथ डोथ रिटेन, और ये जो प्यार का रास्ता है इसे आप रिटेन करो, आप इससे बच जाओ, भाग जाओ इस प्यार के जाल से भाग जाओ। टू लव एंड टू बी वाइज, प्यार करो और अकलमंद बनो, ये तो हो नहीं सकता। जब प्यार किसी को होता है तो फिर उसका दिमाग कहीं और होता है। टू रेज विद गुड एडवाइस, उस बंदे को कोई ढंग की सलाह दो, अच्छी सलाह दो तो वो बंदा गुस्सा मान जाता है। नाउ थस नाउ देन नाउ ऑफ नाउ ओन अनसर्टेन एच डिस, क्या ही शानदार लाइनें हैं, कभी ऐसा कभी वैसा, कभी ऊंच कभी खुश, कभी दुख कभी खुशी कभी गम, वो बंदे का जो मूड है वो तो वैसे ही अनसर्टेन अनिश्चित होता है जैसे कि डाइस। हम लूडो खेलते हैं, लूडो में वो डाइस होता है जो हमें बताता है कि हमारा एक आएगा दो आएगा, तो हमें निश्चित ही नहीं होता कि एक आएगा दो आएगा तीन आएगा चार आएगा पाँच आएगा या छः आएगा। तो प्यार में भी बंदे का मूड वैसा ही होता है, क्या पता कब खुश हो जाए, क्या पता कब दुख हो जाए। देयर इज नो मैन एट वंस दैट कैन टू लव एंड टू बी वाइज, ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है जिसे हम कह सकें कि वो प्यार भी करता है और बुद्धिमान भी है, क्योंकि प्यार जब होता है तो बंदे की अकल शकल चली जाती है। सच आर दी डाइवर्स थ्रोज, सच पेन्स दैट नो मैन नोज, सच आर दी डाइवर्स थ्रोज, कोई भी पर्सन जो है उसकी स्ट्रगल जो है वो इस तरह की अलग अलग स्ट्रगल आती है। जब बंदा प्यार करता है उसकी स्ट्रगल अलग अलग आती है। सच पेन्स दैट नो मैन नोस, ये जो दर्द है वो कोई पर्सन नहीं जानता है। दैट हैड नॉट प्रूव्ड एंड वंस हैव लव्ड, जिस पर्सन ने कभी किसी से प्यार ना किया हो और उसे उसने प्रूव ना किया हो तो ऐसे पर्सन के अलावा दूसरा बंदा ऐसे पर्सन की दुख दर्द को जान ही नहीं सकता है। सच आर द रेजिंग वो सूनर रीअप्रूव्ड देन वेल रिमूव्ड, ये जो दर्द होते हैं ये तूफानी होते हैं, किसी भी पर्सन को इन पर इनके लिए ब्लेम किया जाता है तब इन्हें बड़ी ही स्ट्रगल से इन दर्दों को हटाया जाता है। ये दर्द जिंदगी से ऐसे सौखे से नहीं जाते हैं। सच आर दी डाइवर्स थॉट्स, प्यार ऐसा है। लव इज़ ए फर्वेंट फायर, प्यार एक जलती हुई आग है। किंडल्ड बाय दी हॉट डिजायर, जिसमें जो इच्छाएं हैं वो घी का काम करती हैं।
प्यार एक ऐसी आग है जिसे इच्छाएं बढ़ाती हैं। फॉर शॉर्ट प्लेजर लॉन्ग डिसप्लेजर, प्यार में कुछ खुशी है गम ज़्यादा है। रिपेंटेंस इज दी हायर, आखिर में तो बंदे को पछताना ही पड़ता है। तभी तो गुरदास मान ने कहा था, वेखी दिला प्यार ना करी, दो दुनी चार ना करी। ए पुअर ट्रेजर विदाउट मेजर, लव इज ए फर्वेंट फायर। प्यार एक ऐसा छोटा सा खजाना है जिसे हम नाप नहीं सकते हैं। प्यार जो है एक ग्लोइंग फायर है। लो व्हाट इट इज टू लव, देखो प्यार करना क्या है। सो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।